अरे रितिका, सुनो सुनो सुनो, एक बात सुनी हो क्या? क्या हुआ रमाकांत? क्या बात है, इतना बड़े उलझे टाइप का दिख रहे हो? कुछ बात है क्या, बताओ। सुना हूं लोक सदन विचार मंच का गठन अभी अभी किया गया है, जिसमें सारे युवकों को, हमारे देश के लेखक, कवि और साहित्यकारों को अपना विचार रखने का मौका दिया जा रहा है। तो क्यों ना हमें भी अपना विचार रखना चाहिए। आखिरकार हम भी युवक हैं, हम भी देश के एक हिस्सा हैं, हमें भी मौका मिलना चाहिए। और मौका दे तो हमें अपनी बात रखनी चाहिए वहाँ पे। तो क्यों ना हम भी अपनी बात रखें वहाँ पे, अपनी बातों को रखें। हम क्या सोचते हैं, कि युवक क्या सोचता है, कि पर्सन क्या सोचता है, तो सभी तरह के विचार रख रहे हैं, सभी विषयों में बात किया जा रहा है। तो हमें भी आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। क्या सोचती हो तुम इसके बारे में? तुम्हारा क्या राय है इसके बारे, इसको लेके? देखो रमाकांत, अगर लोक सदन विचार मंच के द्वारा अगर ऐसा विचार मंच का गठन किया गया है और सभी युवकों को, सभी लेखकों को, सभी साहित्यकारों को व सभी कवियों को अगर आह्वान किया गया है अपने विचार, अपने सोच को रखने का, तो बिल्कुल हमें भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि देश सभी का है और देश युवकों से, साहित्यकारों से, लेखकों से बनता है, लेखकों के विचार से बनता है। तो हमें भी आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तुम सही बोल रहे हो। ठीक कह रही हो। आज ही लोक सदन विचार मंच का मैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करता हूँ आज ही, और देखता हूँ कि कौन कौन से विषय पर डिस्कशन किया जा रहा है। उसके बाद मैं जरूर भाग लूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। मेरे मेरे मैं भी इस देश का हिस्सा हूँ, मुझे भी हक है अपना विचार रखने का। तो मैं भी आज व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करता हूँ और उसमें अपनी बात अच्छे से लिख के मैं रखता हूँ। बिल्कुल 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 रमाकांत, मैं भी आज ही लोक सदन विचार मंच का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करती हूँ और मैं भी अपने विचार वहाँ पे रखूँगी। तुम भी लिखो, मैं भी लिखती हूँ। इससे क्या है, एक नया 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 विचार सामने आएगा, जिससे हमारे देश की उन्नति में, निर्माण में कुछ ना कुछ तो सहयोग दे पाएगा, जिससे हम लोग और भी लेखक और साहित्यकारों और कवियों के बारे में जानने को मिलेगा उसके विचार के माध्यम से। तुम सही बोल रहे हो, आज ही मैं जा रही हूँ और तुरंत ज्वाइन करूँगी। बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो। मैं ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। मैं भी ज्वाइन करती हूँ, देखती हूँ कुछ लिख पाती हूँ, कुछ कविता लिख पाती हूँ, मैं जरूर जरूर वहाँ पे शेयर करूँगी। ठीक है रमाकांत, मैं जा रही हूँ अपने हॉस्टल और मैं अपना ग्रुप तुरंत ज्वाइन कर लूँगी। ठीक है, बहुत अच्छा विचार तुमने बताया, बहुत अच्छा बात तुमने बताया। मैं आज ही जा रही हूँ, वो फॉलो करता हूँ, लेकिन और लोगों को तुम ये बात बता देना, ताकि सब व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और अपने विचार, अपने विमर्श जरूर, अपनी सलाह जरूर रखें वहाँ पे। मैं जा रही हूँ रमाकांत। मैं तो जा रहा हूँ तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करूँगा। मैं देखूँगा वहाँ पे कौन कौन से नए नए विषय पर विषय रखा गया है। मैं तुरंत विषय देखूँगा और अपने विचार, लेख, कविता, व्यंग सब वहाँ पे भेजूँगा। आप लोग ज्वाइन किए हैं कि नहीं किए हैं? अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप भी तुरंत ज्वाइन कीजिए। आपका विचार, आपका आलेख हमारे देश को एक नई दिशा प्रदान करती है। तो मैं सारे साहित्यकारों, कवियों और लेखकों से अनुरोध करता हूँ कि आप व्हाट्सएप ग्रुप, लोक सदन विचार मंच का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लोक सदन विचार मंच आपके जीवन की मंगल कामना करता है। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।